जब हम सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं तब उन सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, काइंड्स या प्रकार, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जब हम बातचीत करते हैं तो हम कोई कुछ बातें यूं ही बताते हैं किसी को कि कल वहाँ बारिश हुई थी, आज मैं बाजार जाऊंगा, मैंने एक फॉर्म भरना है, मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है, कुछ कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यस वाले, जिसको कि पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और बाकी होते हैं नो या नॉट वाले, जिनमें हम किसी चीज़ का मना करते हैं, मनाही होती है। तो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, हमें पॉजिटिव सेंटेंस में यस होगा, किसी चीज़ को हम यस करते हैं, और नेगेटिव में मनाही की जाती है, यस आई विल गो देयर, नो आई विल नॉट गो देयर, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट गोइंग टू अपियर इन एग्जामिनेशन। ये नॉट वाले हो गए, नॉट। और उनके अलावा कुछ होते हैं जिसमें कुछ पूछा जाता है, जिसको क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। अब आर यू ए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या तुम विद्यार्थी हो? वो कहेगा यस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। अच्छा, क्वेश्चन वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये हो गया जो मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन, एक वो होते हैं जिसमें सेंटेंस के शुरू में WH वाले शब्द लगते हैं, वर्ड्स, जैसे WHERE, वेयर, वेयर आर यू गोइंग, WHAT, वॉट, वॉट इज योर नेम, WHO, हु आर यू, इत्यादि। और जैसे विच, WHICH, विच इज योर बुक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। उसके बाद होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि क्वेश्चन मार्क वाले या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव, वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनके शुरू में WH वाले वर्ड्स लगते हैं, और एक वो जो कि हेल्पिंग वर्ब शुरू आ जाता है, इज ही। अब जैसे ही इज माई ब्रदर, अब कहेंगे ही इज, तो हम इज को पहले लेंगे, इज ही योर ब्रदर, इस चैनल विहान ट्यूटोरियल्स को इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस और लेसन्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अब तक नहीं किया, और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए।